प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित सांसदों को सेंट्रल हॉल से संबोधित करते हुए कहा कि आजादी से अब तक मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया और भाजपा का खौफ दिखाकर वोट लेने का काम किया है। वहीं जो अब ऐसा नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब अकलियत भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद जहां अकलियतों ने मोदी को बधाई देने लगी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में खलबली मचने लगी। इसी कड़ी में बिहार के सीमांचल में अपनी अलग पहचान रखने वाली फैशन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन मौलाना फिरोज आलम ने जहां मोदी के बयान की जमकर तारीफ की और आशा ही नहीं उम्मीद भी जताई कि नीतीश और मोदी की जोड़ी में अकलियतों के चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तक की गैर भाजपा सरकार ने अकलियतों को सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया है। जी, अभी फिलहाल जो देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अल्पसंख्यकों पर जो बयान दी गई है, जिसमें मुल्क में पूरी हायतबा मचाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं एनडीए को उसकी इस जीत पर बधाई देता हूँ और बिहार के अंदर श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे वज़ीर आला हैं, इनके कुशल नेतृत्व और श्री नरेंद्र मोदी जी के अपनी विकास नीति की वजह से जो इन्हें सफलता मिली है, इसके लिए हम इस रमज़ान के पवित्र महीने में उनको बधाई देते हैं। और जहां तक माइनॉरिटी के ताल्लुक से उनका जो अपना एक विचार लोगों के सामने उन्होंने रखा है, तो मैं ये समझता हूं कि वो बिल्कुल हक पर है और सही पर है, और बल्कि माइनॉरिटी के सिलसिले में उन्होंने जो भी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, मैं इसको सराहता हूं और पूर्ण रूप से इनका समर्थन करता हूं। और मैं उनसे उम्मीद भी रखता हूं कि ये माइनॉरिटी के लिए, खुसूसन जो मुसलमान पिछड़े हैं, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है। जी, मोदी जी का ये कहना था कि आज तक आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक मतलब हाशिए पर है, क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी की बात में सच्चाई है? बिल्कुल, अभी तक मुसलमानों को सिर्फ जो है वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और एक डर की राजनीति के जरिए से इनसे वोट हासिल किया गया, और इनके लिए सच्चर कमेटी वगैरह की कमेटी तो बनी लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन पीछे होते चले गए हैं। और आज हमारे इस यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, तो हम उम्मीद भी रखते हैं कि ये इस पर अमल भी करेंगे और माइनॉरिटी को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझको पूरी उम्मीद है इससे। मतलब पूरे मुल्क में जो हायतबा मचाया जा रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा, खासकर ओबीसी के द्वारा जो कटाक्ष की जा रही है, क्या कहेंगे आप? मैं उस कट्टरपंथ ये की बात नहीं करना चाहता हूँ, जो लोग मुसलमानों के नाम वोट के लेने के नाम से उनको बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा यकीन और विश्वास है कि ये हमारे माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम करेंगे और इनको विकास में आगे बढ़ाएंगे और इनको हर तबके में, जो निम्न तबके हैं, उनको ऊपर उठाने में या आगे बढ़ाने में अपना कम योगदान देंगे। जी, बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, सुनने में तो यह आया है कि आपके वो काफ़ी गरीबी में हैं, आप बड़ी खासम खासे में हैं, क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार के बारे में? मैं नीतीश कुमार जी की जो विकास नीति है, जो न्याय के साथ विकास नीति है, इनका मैं पूरे खुले तौर पर मैं समर्थन करता हूं और पुरजोर अपील करता हूं कि इस तरह के मुख्यमंत्री बिहार में आज़ादी के बाद से अब तक नहीं मिला है। और इन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है, इसमें ना इसमें हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई कि बिना किसी भेदभाव के ये तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं खुले तौर पर पूरे दिल के साथ उनका समर्थन करता हूं और मैं उनके साथ में हूं। क्या अकलियतों को आप मैसेज देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार को आने वाला विधानसभा में आपका उनके साथ ताउन हो? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के लिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ें और मैं इनका पूरे तौर पर समर्थन भी करता हूँ और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि सारे लोग मिल करके, खुसूसन मुस्लिम कौम, ये इनका साथ दें और इनके साथ ही आगे बढ़ें, और इनकी मुसलमानों की तरक्की बिहार के अंदर खुसूसन इन्हीं के साथ मुसमर है और ये इसी से आगे बढ़ सकते हैं, और इतने अच्छे हैं कि मैं इनको करीब से भी जानता हूँ,
कि वो मुसलमानों के बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं और इनको हर मैदान में आगे बढ़ा, चाहे उर्दू का मैदान हो, चाहे बिहार बोर्ड के मदरसे के ताल्लुक से हो, इन्होंने हर मैदान में इतना काम किया है कि वो कहने सब के सामने जाहिर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर इनका समर्थन करें और इनका साथ दें। धन्यवाद आपका। शुभ नाम। मेरा नाम फिरोज आलम। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार।